हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे सारे सारे आई होप सभी बढ़िया होंगे। सो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी अबाउट द एडवेंचर रैंक एक्सपी कैसे इंक्रीज करें और मोरा सेव और फार्म कैसे करें और एंड हीरो स्विथ के बारे में, जो करेक्टर एक्सपी है उसके बारे में बात करी थी। तो इस वीडियो में मेरे को आर्टिफैक्स भी कवर करना था, बट वीडियो का थोड़ा सा साइज बढ़ गया, इस वजह से मैं आर्टिफैक्स सिस्टम कवर नहीं कर पाया। आर्टिफैक्स सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब इस गेम में, सो मैं इस वाली वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो मुझसे हाल ही फिलहाल में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, जैसे उनका AR 45+ हो गया, 50+ हो गया, कि कौन सा डोमेन करना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा डोमेन तुम्हारे लिए बेस्ट है आर्टिफैक्स और क्या फार्म करने से तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। तो आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टिफैक्स सिस्टम, जो कि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। लाइक नाउ यू डोंट हैव टू फार्म आर्टिफैक्स फॉर योर फ्यू करेक्टर्स जिनके आर्टिफैक्स अवेलेबल है स्ट्रॉन्ग बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपको कन्वर्ट कर सकते हो। आपको वो डोमेन फार्म करने चाहिए जिससे आपके सपोर्ट बिल्ड हो जाए, या फिर जो आपके क्राफ्टिंग टेबल पे नहीं है अवेलेबल वो डोमेन फार्म करने चाहिए। इससे आपकी जो रेजन एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, फालतू का रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, मोरा खर्च नहीं होगा ज़्यादा और ना ही आर्टिफैक्स एक्सपी खर्च होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की है मगर अभी के लिए सिर्फ यही ज़रूरी है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि तुम लोगों को गाइड करना कि तुम लोगों को क्या फार्म करना है और क्या फार्म नहीं करना। जो ग्लेडिएटर है वो किसी डोमेन में नहीं मिलता, बॉस फाइट करनी पड़ती है, वहाँ से ड्रॉप होता है। तो ऑफकोर्स ये फार्म तुम कर नहीं सकते, ये तो बस मिल सकता है यहीं से, और ना ही ये वाला सेट ओपीस वॉन्डर, ठीक है, ये भी नहीं मिलता। ये भी बॉस से फाइट करनी पड़ती है और कहीं से ड्रॉप नहीं होता, यहीं से कर सकते हो। आपको ब्लड जो है स्टेन फार्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोबलेस फार्म करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना ही थंडर फ्यूरी फार्म करने की ज़रूरत है और ना ही थंडर शूटर, और ना ही कजुआ वाला जो है विरी वाला वो भी फार्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको मेडन फार्म करने की ज़रूरत है, ना ही पेट्रा, और ना ही आपको रे ट्रेसिंग, और ना ही क्रिज़म विच ऑफ फ्लेम्स डी लुक का सेट, और ना ही लावा वॉल्कर फार्म करने की ज़रूरत है, और ना ही ब्लिज़र्ड स्टेयर हमेशा तो आएगा के लिए फार्म करने की ज़रूरत है, और ना ही चाइल्ड के लिए फार्म करने की ज़रूरत है। ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बॉक्स में ऐड हो चुके हैं, पिछले पैच में 3.0 में ऐड हुए थे, समीरू जब आया था। तो ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं जो आपको क्राफ्टिंग टेबल पे मिलते हैं, इनको फार्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए फार्म करना चाहते हो तो सबसे बढ़िया जो डोमेन है अभी राइट नाउ आर्टिफैक्ट्स फार्म करने का, और वो डोमेन है जो सबसे बढ़िया डोमेन है राइट नाउ फार्म करने के लिए, अगर आपको नहीं पता कि किसके लिए फार्म करूं किसके लिए फार्म नहीं करूं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी डोमेन में फार्म करो, क्योंकि इसका जो टू पीस है सेट बोनस वो यूनिवर्सल है, अटैक मिलता है बिल्कुल ग्लेडिएटर की तरह शिमिनावा, और ये वाला सेट मोस्टली आपके सपोर्ट करेक्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल सेफ है डोमेन फार्म करने के लिए, अगर आपको नहीं पता कि आपको किसके लिए फार्म करना है। मॉन्स्टैट के बहुत सारे डोमेन ऐड हो चुके हैं क्राफ्टिंग टेबल पर, तो वो फार्म करने की ज़रूरत है नहीं। आप इत्तो के लिए फार्म कर रहे हो या किसी जियो लाइक एल्बेडो के लिए फार्म कर रहे हो या इत्तो के लिए फार्म कर रहे हो, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, हस्क फार्म कर सकते हो कोकोमी के साथ, अगर आपके पास कोकोमी है तो अच्छी बात है, ये बढ़िया रहेगा। और आप लाइक नए डोमेन्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो रेदर देन पुराने डोमेन्स पे, तो आप इसको भी फार्म कर सकते हो शाओ के लिए या इत्तो के लिए, शाओ के लिए या आयतों के लिए। तो नए डोमेन्स पे आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, खासकर ये वाला डोमेन ज़्यादा अच्छा है अभी जो चल रहा है, डेंड्रो सेट डेंड्रो करेक्टर्स के लिए और EM सेट फॉर द सपोर्ट्स जो कि EM पे काम करते हैं। ठीक है, आपको अब इन डोमेन्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पुराने डोमेन्स हैं, इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी राइट नाउ। एक और डोमेन है जो कि ऐड नहीं हो पाया है, आई डोंट नो रीज़न क्यों नहीं ऐड हो पाया, मगर ये शायद अगले पैच या उससे अगले पैच में हो जाएगा अपकमिंग फ्यूचर में। ये वाला डोमेन जो है जहाँ पे जोंगली का 4-piece टेनेसिटी मिलता है कुकी के लिए, बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये सेट बोनस, तो ये सेट बोनस जो है ये आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको कोई स्पेसिफिक करेक्टर बिल्ड करना है जो कि आपको अटैक बोनस प्रोवाइड करे, जो कि स्किल के ऊपर काम करे, जिसको HP चाहिए, ये उन्हीं केसेस में काम करता है, उनके लिए आप ये दे सकते हो, क्योंकि ये आपको क्राफ्टिंग टेबल पे मिलेगा नहीं, इसको आप कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो ये आपको फार्म करना पड़ेगा। इसी के साइड बाय साइड आपको मिलता है 4-piece सेट बोनस फ्लेम का, जो कि आपकी ईवला के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो अगर आप ईवला बिल्ड कर रहे हो या रेजर बिल्ड करना चाहते हो तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी अगर किसी को कोई फिजिकल डैमेज डीलर बिल्ड करना है। इवन आप रोजारिया पे भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप उसको अर्ली स्टेज में फिजिकल बिल्ड कर रहे हो। बाकी इन दी एंड में बस यही बोलूंगा दोबारा से कि फार्म करने की जरूरत नहीं है, पुराने डोमेन्स अब ज़्यादा वैल्यू रखते नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी डोमेन में जाओगे इस सेट बोनस के लिए तो आपको ये पीसेस ज़्यादा मिलेंगे, इसके लिए जाओगे तो ये पीसेस ज़्यादा मिलेंगे, तो ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ
रिसोर्सेज और वेस्ट ऑफ टाइम है, आपको इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे अच्छा आप अपनी किस्मत आजमाओ अपने क्राफ्टिंग टेबल पे जो कि राइट नाउ अवेलेबल है। उसमें 3 के पीसेस डालने पड़ते हैं, लाइक 3 फाइव स्टार पीसेस डालने पे 1 फाइव स्टार पीसेस मिलता है। उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है मुझे मालूम है, मगर अभी के लिए यही बिल्कुल ठीक है। आई होप तुम्हें लोगों समझ में आ गया होगा। तो ये पर्पस सिर्फ यही था वीडियो बनाने का कि आप लोगों को पता चल रहा है कि क्या आपके लिए अभी राइट नाउ बढ़िया है और क्या बढ़िया नहीं है। आई एक्सेप्ट क्राफ्टिंग टेबल पे रिस्क ज्यादा है, 3 पीसेस दे के 1 पीस पाना बहुत ही बेकार डील है, मगर अगर आप वो आर्टिफैक्ट्स डोमेन फार्म करोगे जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है क्राफ्टिंग टेबल पर, तब इसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि ये आरएनजी है और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितने रन में कितने अच्छे पीसेस मिलेंगे थंडर फ्यूरी के, और आपको थंडर शूटर तो चाहिए ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको ये पीस तो चाहिए नहीं होगा। माना कि कुछ लोगों को ये पीस भी चाहिए होगा, कुछ लोग होंगे, मगर कुछ लोगों को नहीं चाहिए होता है, तब मोस्टली लोग ये ही इसी फार्म इसी पीस के लिए फार्म करते हैं। तो मोस्टली लोग इसी चीज के लिए फार्म करते हैं, इसके लिए फार्म नहीं करते, तो वो इसको कंसिडर करेंगे, मगर इसके ड्रॉप रेट कितने होंगे कितने नहीं होंगे इसके चांसेस बहुत ही कम है। आपको ये पीस ज्यादा पाने के चांसेस आपके क्राफ्टिंग टेबल पे ही होंगे, तो यू हैव टू फोकस, डोंट हैव टू फार्म दिस डोमेन, यू डोंट हैव टू फार्म कजुआ डोमेन, वेंटी डोमेन है ना, और टेलुक डोमेन, काफी सा तो आया का डोमेन, ये फार्म करने की जरूरत नहीं है। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू एंड पीस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, पीस।